उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने बताया कि शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा दर्शन के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा का समस्त व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस तरह कुल 18 मांगे हैं, इसको शासन पूरा करे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हीरालाल प्रसाद गौड़, कोषाध्यक्ष अनंत मौर्य, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा, हमारे मध्य दो शिक्षिकाएं बहने हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग मां शक्ति आगे आ जाए, आगे कहीं उनको स्थान दिला दीजिए, आगे बैठ जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, संघर्ष के लिए, और वो भी संघर्ष किसके लिए, दूसरों के लिए लोग करते हैं, हम स्वयं के लिए संघर्ष करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतिहास गवाह रहा है, बिना संघर्ष के किसी को कोई चीज नहीं मिली है आज तक, इसीलिए कहा गया है जीवन संघर्ष है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, प्रकृति भी हमें यही सूचित करती रहती है अपने छोटे छोटे संकेतों से कि अगर कुछ चाहिए तो संघर्ष करो। चींटी अपने से 100 गुना भारी बोझ उठा लेती है, परंतु अकेले नहीं, एक पूरा समूह लेकर चलती है और बहुत सारे चीजों को वो साकार करती है। तो हमें संघर्ष करना है, अकेले अकेले नहीं हो सकता, चींटी की तरह करना होगा, हमें समूह बनाना होगा और एक साथ अनुशासित होकर के ही संघर्ष करना होगा, तभी हम अपनी बात को सशक्त तरीके से किसी के समक्ष रख सकते हैं। और सत्ता हमेशा जो है बहरी ही होती है, उसे अपनी आवाज सुनानी पड़ती है, अकेले शोर करके कुछ नहीं होगा, जितना समूह होगा शोर उतना ही तेज होगा और उतना ही गहरा आघात करेगा, उतना ही तेज प्रभाव डालेगा। साथ ही सत्ता के साथ में भी है जो हमारे लोकतांत्रिक सरकारी हैं, तो निश्चित तौर से हमारा विचार होगा, कुछ हमारे पक्ष में भी होंगे, कुछ विपक्ष में भी होंगे, उसके साथ भी है, फिर भी उसकी जो गलतियां हैं अगर आप नहीं इंगित करेंगे तो कौन करने आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, छकुराई गुट जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शिक्षक संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीश पांडे ठकुराई, जगदीश पांडे ठकुराई प्रदेश अध्यक्ष। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? देखो, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक ठकुराई गुट आज प्रदेश के सभी जनपदों में धरना देकर अपने आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। यह 18 सूत्री मांग जो है, इसमें पहला है शिक्षा का निजीकरण बंद करो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा पर संपूर्ण व्यय सरकार करे। बता देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ आप लोगों सबसे कि ये सरकार एजुकेशन टाउनशिप लागू करके शिक्षा में पूंजीपतियों का प्रवेश कर रही है। योगी सरकार ने भी इस प्रदेश में 5 एजुकेशन टाउनशिप खोलने का प्रावधान किया है जो विदेशी पूंजीपतियों के हवाले हो रहा है। और अगर गोरखपुर में एक ज़िले में मान लो एजुकेशन टाउनशिप खुल गया तो वहाँ पढ़ाई फ्री तत्काल, आवासीय व्यवस्था होगी, सारी शिक्षा होगी KG-2 PG, और ये पूंजीपति चलाएगा तो ये स्कूल तो बंद हो जाएंगे। तो चूँकि पूंजीपति आएगा तो बिजनेस कंपटीशन में वाले माफ़ कर देगा, 3 साल बाद फिर लगा देगा फीस। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के आका, उन्हीं के पितामह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल जी ने कहा है कि शिक्षा पर संपूर्ण व्यवहार सरकार का हो। हमारी मांग है संपूर्ण व्यवहार सरकार का हो। दूसरी बात यह है कि यही हाल पेंशन का है। हमारे वेतन से कटौती 10% करते हैं,
14% सरकार देती है, ये 24% अरबों खरबों रुपया इस देश का शेयर मार्केट में जा रहा, शेयर मार्केट माने पूंजीपति। तो हमारे पैसे से पूंजीपति पूंजी बाजार चलाया जा रहा है, इसको हम नहीं चलने देंगे, इसको बंद किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है कैशलेस चिकित्सा, ये सबको दिया है, हमको भी दीजिए। एडहॉक टीचर्स 3300 में जो विनियमित हुए हैं, सारे विनियमित को कहते हैं हम जोड़ेंगे, अब कहते हैं हम पेंशन नहीं देंगे। ये ऐसे 18 सूत्री मांग पत्र है, इसको लेकर के हम लड़ रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को निदेशालय पर धरना देंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। और अगर इसके बावजूद ही सरकार नहीं चेती तो निश्चित कह रहा हूँ आप लोगों से कि इसमें शिक्षा से जुड़े हुए सारे लोगों को हम जोड़ेंगे, चाहे वह छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कोई भी हो, ये सबको जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूंजीपतियों का नींद हराम कर देंगे। ये तय किया हमने, धन्यवाद।